हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। कल एक्सपायरी है तो आज के दिन में काफी अच्छा सेकंड हाफ में अपू हमें देखने को मिला और काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हमें देखने को मिला है, तो मुझे लगता है यहाँ से काफी एक पॉजिटिव एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। सो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। निफ्टी में अगर आप देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन निफ्टी क्रॉस कर चुका है। ये सपोर्ट था, ये यहाँ पे सपोर्ट टूटा और नीचे गया, अब ये इसके ऊपर क्लोज दिया इसने, तो एक स्ट्रांगली पॉजिटिव साइन है। मुझे लगता है यहाँ से 9100 9150 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो एक 60-70 पॉइंट्स का अपमूव हमें और देखने को मिल सकता है। यहाँ से 9150 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं एक्सपायरी तक। निफ्टी में 9100 से लेके 9150 ये पॉसिबल रेंज हो सकती है एक्सपायरी की। और अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में अभी भी ये चैनल में ही ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी ने ये लेवल क्रॉस नहीं किया अभी तक, 18,200 का जो लेवल था। तो मुझे लगता है कल के दिन में ये 18,200 के लेवल्स वापस रिटेस्ट कर सकता है और यहाँ तक ये चैनल का जो अपसाइड है यहाँ तक जा सकता है। तो 18,000 से लेके 18,500 ये एक रेंज हो सकता है कल के दिन में एक्सपायरी के लिए। सो मैंने आपको रेंज बता दिया है, क्या पॉसिबल रेंज हो सकता है। तो आप रेंज के अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में प्ले कर सकते हो। अगर आप ऑप्शंस राइटिंग करते हो तो ये रेंज के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हो तो कल के स्टार्ट में और बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि कल एक थोड़ा पॉजिटिव एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकता है। अब स्टार्ट करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था रिलायंस सेल, इसमें लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ है। मैंने विप्रो बाय दिया था 185 के ऊपर, ये भी लेवल ट्रिगर नहीं हुआ। हिंडाल्को एक सेल ट्रिगर हुआ, इसमें एक छोटा स्टॉप लॉस हुआ। इसके अलावा मैंने लाइव ट्रेड दिए थे टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आप देख सकते हो मैंने क्या क्या लाइव ट्रेड दिए थे। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक। आज का दिन थोड़ा साइडवेज था फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। सो कल के दिन में कौन से स्टॉक्स में ध्यान देना है ये डिस्कस करते हैं। फार्मा स्टॉक में काफी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिली है और लास्ट 2-3 दिन से अगर आप देखें तो फार्मा में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहला स्टॉक कल के इंट्राडे के लिए ध्यान देना है ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा अगर आप देखें 52 वीक फ्रेश ब्रेकआउट पे ही क्लोज हुआ है, 52 वीक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है और उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है और इसके ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि यहां पर इसने ऑलरेडी एक बार फॉल्स ब्रेकआउट दे चुका है। सो अब यहां से वापस ब्रेकआउट देने के बाद वापस फॉल्स ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि इसने ऑलरेडी फॉल्स ब्रेकआउट एक बार दे दिया है। सो इसमें मुझे लगता है यहाँ से 740-750 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो ये काफी अच्छा बाय कैंडिडेट रहेगा कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। कौन से लेवल पर ट्रेड करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा लुपिन। लुपिन अगर आप देखें, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये एक रेंज में चल रहा है, लास्ट 6 दिन से कंटिन्यूसली एक रेंज में है और आज अगर आप देखें इसने ये रेंज क्रॉस कर दिया है। ये लास्ट 5 दिन का जो रेंज था ये क्रॉस कर दिया और उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। अब मुझे लगता है यहाँ से 920-950 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें देखने को मिल सकता है 920-950 तक के टारगेट्स के लिए। सो लुपिन भी अब काफी अच्छा बाय रहेगा। लास्ट स्टॉक होगा मैकडोवल। मैकडोवल अगर आप देखें एक काफी अच्छा क्लासिकल पैटर्न बनता है, ये कंसोलिडेशन था और अभी यहाँ पर ब्रेकआउट है। अगर आप देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, 580 के ऊपर इसमें क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट है। 580 अगर क्रॉस कर लेता है तो इमीडिएटली इसमें 600 और 620 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। 580 के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनल बाय होगा इनफैक्ट 600 एंड 620 के टारगेट्स के लिए। सो मैकडोवल यूनाइटेड स्पिरिट काफी अच्छा बाय रहेगा, इस पर भी ध्यान देना है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।